बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल सलमान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आइज नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो वो ख़त्म हो चुकी है और तकरीबन तमाम लोगों को जो उनके कोइंस हैं वो ब्लॉक चेन के अंदर दे दिए गए। अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि हम लोगों के जो यहाँ पे ब्लॉक चेन के अंदर तो ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन हमारे वॉलेट के ऊपर हमारे कोइंस शो नहीं हो रहे। अब सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूँ, जिन लोगों ने यहाँ पर OKX का एड्रेस ऐड किया हुआ था, उन लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई कि OKX के ऊपर जो है कोइंस क्यों नहीं शो हो रहे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को 27 तारीख को भी रात में आप लोगों को गाइड किया था कि यहाँ से अगर आपने OKX का एड्रेस ऐड किया हुआ है तो OKX का एड्रेस ख़त्म करके अपने मेटामास्क का या ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस ऐड कर दें, क्योंकि इन लोगों को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, OKX का यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ। पता नहीं यहाँ पर ये OKX के ऊपर कोइंस देंगे या नहीं देंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को वॉच किया था या नहीं किया था और आप लोगों ने OKX का एड्रेस यहां से रिमूव नहीं किया। अब जो आपके कोइंस जो ब्लॉक चेन में आ गए लेकिन OKX के ऊपर आपको शो नहीं हो रहे, अभी इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई कि क्यों शो नहीं हो रहे, इनकी क्या नई अपडेट है, ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा। थोड़ा सा वेट कर ले, हो सकता है कि आपको OKX के अंदर कोइंस शो हो जाए। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि आपको अगर मेटामास्क के ऊपर ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी अगर कोइंस शो नहीं हो रहे तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मेटामास्क से रिलेटेड आप लोगों को बता दूं कि अगर मेटामास्क में आपके कोइंस शो नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है। इसके लिए आप आ जाए अपने मेटामास्क अकाउंट के ऊपर, और मेटामास्क अकाउंट में आने के बाद सबसे पहले आप देख लें यहां पर आपको BNB शो हो रहा है और आइस टोकन शो हो रहा है। ठीक है, अगर आइस टोकन शो हो रहा होगा तो आपके अगर मेटामास्क के वॉलेट एड्रेस के ऊपर कोइंस आएंगे तो यहां पर आपको कोइंस पता चलेंगे कि कितने आइस कोइंस आपके यहां पर मौजूद है। अगर आपके पास ये पेज शो नहीं हो रहा तो इसके लिए आप क्या करें, यहां पर देखें आपको ऊपर BNB स्मार्ट चेन लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास अगर कुछ और लिखा हुआ आ रहा हो तो आपने यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करके ऐड नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको BNB स्मार्ट चेन नज़र ना आ रहा हो तो यहाँ पर ये शो टेस्ट नेटवर्क का ऑप्शन जो आ रहा है इसको आपने ऑन करना है। जैसे ही ऑन करेंगे तो फिर आपके पास BNB स्मार्ट चेन का ऑप्शन जो यहाँ पर शो हो जाएगा। खैर, आपने BNB स्मार्ट चेन का ऑप्शन को यहाँ पर लाकर यहाँ से ऐड नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास BNB का ऑप्शन जो यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन आइज का आपके पास शो नहीं हो रहा होगा। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आइज आपको किस तरीके से शो होंगे। आपने जब BNB को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये BNB का एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस को यहाँ से आपने करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने किसी नोटपैड के अंदर, और नोटपैड के अंदर आने के बाद उस एड्रेस को आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने वापस अपनी आइस की एप्लीकेशन के अंदर जाना है। आइस की एप्लीकेशन में आने के बाद जो एड्रेस आपने यहाँ पर अगर मेटामास्क का ऐड किया हुआ होगा उसके ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और उस पूरे के पूरे एड्रेस को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने वापस नोटपैड के अंदर आना है, यहाँ पर आपने उस एड्रेस को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने देख लेना कि ये जो आपने मेटामास्क का एड्रेस और ये आइस नेटवर्क वाला एड्रेस यहाँ पर पेस्ट किया, ये दोनों के दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम हो तो फिर तो आपको यहाँ पर आइस टोकन जो है वो रिसीव हो चुके होंगे, और अगर आपके पास यहाँ पर आइस टोकन शो ना हो रहे हैं और यहाँ पर BNB जो है आपके पास शो हो रहा हो, एड्रेस आपने यही वाला अपने आइस एप्लीकेशन के ऊपर ऐड किया हो, तो फिर आपके आइस टोकन यहाँ पर रिसीव हो गए होंगे, लेकिन आइस जो है वो आपको शो नहीं हो रहेंगे। वो आपको किस तरीके से शो होंगे, जब आपने यहाँ पर इस पेज के ऊपर आना है, इस पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट टोकन का ऑप्शन मिलेगा। इंपोर्ट टोकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने कस्टम टोकन के ऊपर आना है। कस्टम टोकन में आने के बाद यहाँ पर आपने एक इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर देखें आइस लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर 18 लिखा हुआ आ जाएगा। आपने ये करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वापस बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको आइस टोकन शो हो जाएगा, जो आपके आइस आए हुए होंगे वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अब ये जो मैंने एड्रेस यहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड किया, अगर ये आपने पहले से ऐड नहीं किया हुआ होगा तो आपको यहाँ पर आइस शो नहीं होंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आपको उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ये सारी सेटिंग करने के बाद फिर भी आपको यहाँ पर आइस कोइंस जो वो शो नहीं होते, और हालांकि आपके ब्लॉक चेन के अंदर आ गए और आपने अपना एड्रेस भी यही मेटामास्क का ऐड किया है, फिर भी आपके यहाँ पर आइस कोइंस शो नहीं हो रहे, तो फिर आप एक काम करें, प्ले स्टोर के ऊपर जाकर या एप्पल स्टोर के ऊपर जाकर अपनी एप्लीकेशन को देखें, कहीं वो अपडेट तो नहीं मांग रही। अगर अपडेट मांग रही हो तो उसको अपडेट करें, अपडेट करने के बाद आपके कोइंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये जो सेटिंग मैंने बताई, अगर इसी सेटिंग से आपने अपना ये वाला एड्रेस ही ऐड किया होगा तो आपके कोइंस लाजमी यहाँ पर मिल जाएंगे, इसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात ये करते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट जो वो ऐड किया था, ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस ऐड किया था,
उन लोगों को भी अगर कोइंस ब्लॉकचेन में आ गए हैं और फिर भी उनको ट्रस्ट वैलेट के ऊपर शो नहीं हो रहे तो उनको किस तरीके से शो होंगे, इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर ट्रस्ट वैलेट के अकाउंट के ऊपर। ट्रस्ट वैलेट के अकाउंट के ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पर आइस कोइंस जो आपके शो हो रहे होंगे। अगर आपके पास ये आइस का टोकन शो ना हो रहा हो और आपके पास ये बीएनबी का ऑप्शन जो यहाँ पर शो हो रहा हो तो फिर भी आपको यहाँ पर कोइंस मिल गए होंगे, अगर आपने इसी तरीके से एड्रेस ऐड किया होगा जिस तरीके से मैंने बताया। ये दोनों टॉपिक के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने उन वीडियो को वॉच करके अपना एड्रेस ऐड किया होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क के ऊपर आपके कॉइन्स आ जाएंगे। अगर फिर भी शो ना हो रहे तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ आप जो इसको अगेन किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसको अगेन चेक करने के लिए यहाँ पर देखें आपको मैनेज क्रिप्टो, आपके पास यहाँ पर अगर बीएनबी शो नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पर मैनेज क्रिप्टो के ऑप्शन के ऊपर आना और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है बीएनबी। जैसे बीएनबी सर्च करेंगे ये बीएनबी आ जाएगा, ये अगर ऑफ हुआ हो तो इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। इसको ऑन कर देंगे वापस बैक आएंगे यहाँ पर, ये देखें ये बीएनबी आपके पास शो हो गया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसके रिसीव के ऊपर जाना है, रिसीव के ऊपर जाने के बाद इसका एड्रेस आपने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद और नोट पैड के अंदर आने के बाद आपने इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने वापस आइस की एप्लीकेशन के अंदर आना है। आइस की एप्लीकेशन में आने के बाद आपने ये जो एड्रेस ऐड किया होगा इसको भी आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने नोट पैड में आ जाना है। नोट पैड में आने के बाद इसको भी यहाँ पर आपने पेस्ट करके चेक कर लेना कि ये दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम है या नहीं है। अगर दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम हो तो फिर तो आपको यहाँ पर आइस कॉइंस मिल गए होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भले आपको आइस टोकन यहाँ पर शो हो रहा हो या नहीं शो हो रहा हो। अब अगर आपके पास आइस टोकन यहाँ पर शो नहीं हो रहा और एड्रेस आपने यही ऐड किया जिस तरीके से मैंने आपको बताया और आपको यहाँ पर आइस टोकन भी शो नहीं हो रहा तो ये आपको किस तरीके से मिलेगा, इसके लिए आप आ जाए यहाँ पर आपको टॉप के ऊपर देखें प्लस का आइकॉन नजर आ रहा है, प्लस का आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोबारा आपके पास प्लस का आइकॉन आ जाएगा, आपने इस प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये देखें नेटवर्क है, इस नेटवर्क को आपने चेंज करके यहाँ पर आपने इसको कर देना है बीएनबी। बीएनबी करने के बाद यहाँ पर आपने इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है वो ऐड करना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस वही ऐड करना है जो मैंने आपको मेटामास्क के अंदर बताया था, वही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। जैसे ही कॉन्टैक्ट एड्रेस ऐड करेंगे यहाँ पर आपको आइज नज़र आ जाएगा, ये भी आइज नज़र आ जाएगा और यहाँ पर 18 नज़र आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके आपने वापस बैक आना है, होम पेज के ऊपर आ जाना तो यहाँ पर आपके पास आइस जो टोकन शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर एड्रेस यही बीएनबी वाला ऐड किया होगा अपनी आइस की एप्लीकेशन के अंदर तो यहाँ पर आपने आइस टोकन इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपके ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी आपके कॉइंस ट्रांसफ़र हुए होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ये सारी सेटिंग करने के बाद भी अगर आपको यहाँ पर आइस कॉइंस शो नहीं होते तो फिर आपने वही चेक करना है, प्ले स्टोर के अंदर जाकर चेक करना है कि कहीं आपकी एप्लीकेशन जो है वो अपडेट तो नहीं मांग रही। अगर अपडेट मांग रही हो तो आपने उसको अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद आपने चेक करना है आपके कॉइंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया मेटामास्क और ट्रस्ट वैलेट का, अगर इसी तरीके से आपने इस एड्रेस को ऐड किया हुआ होगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके कॉइंस शो हो जाएंगे। और जो OKX वाले हैं, OKX वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इनकी जैसी कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि OKX में आप लोगों को किस तरीके से शो होंगे। आइज नेटवर्क की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।